वंदे भारत देश का स्वाद। हम पहुंचे हैं अयोध्या वंदे भारत ट्रेन में। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि कैसे हम ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और हमें क्या क्या दिक्कतें आई। आज सुबह 7 बजे हम राम मंदिर पहुंच गए। जो कुछ न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत था। हमें सिर्फ 15 मिनट लगे मंदिर में दर्शन करने में। मंदिर के अंदर फोन कैमरा ले जाना अब बैन हो गया है, इसलिए हम आपको बढ़िया दर्शन नहीं करवा सकते। बट एक बात बताना चाहूंगा, मंदिर बहुत खूबसूरत है। चलिए अब आपको मंदिर के पास का फूड टूर करवाते हैं। जय श्री राम। हम हैं इस वक्त अयोध्या की पावन धरती पे और सुबह नाश्ते का समय है और यहाँ के एक बहुत ही आइकॉनिक, जी हाँ आइकॉनिक जगह पे हम आए हैं। जब हम यहाँ की लिस्ट बना रहे थे खाने पीने की अयोध्या की, तो यही वो दुकान थी कि जिसका नाम हर किसी ने लिया था। जी हाँ, इनका चले गए। मौर्य मिष्ठान भंडार, जी हाँ ये देखिए एक टेक अवे काइंड ऑफ छोटा सा एक आउटलेट है। अंदर सिटिंग स्पेस भी है, अंदर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े मशहूर लोग भी आए हुए हैं और इनका जो मशहूर है वो है जलेबी दही के साथ। जी हाँ, दही जलेबी यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ कचौरी आलू भी मिलते हैं, समोसा आलू भी मिलते हैं। तो हमें दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु मिल गए हैं। गुलशन जी हमारे साथ हैं। पहली बार खा रहे होगे? पहली बार खा रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है दिल्ली वालों के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? अल्टीमेट भी अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकता, ये हमारे गाइड साहब हैं, ये लोकल हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, विजय जी इन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी नाश्ता करना है, इन्होंने कहा जी मौर्य जी के यहाँ चलेंगे आपको और जलेबी और दही खिलाएंगे। पहला एक्सपीरियंस है जलेबी और दही का। जलेबी के साथ हमने रबड़ी तो बहुत हम दिल्ली वाले खाते ही हैं, लेकिन ये जो दही का है ये बढ़िया लगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, दिल्ली से आए हुए हैं उनको पसंद आया, चलिए हम भी टेस्ट करके देखते हैं। हनुमानगढ़ी है ना। तो लीजिए दही जलेबी, जैसे हमने आपको सचदेवा जी की बात सुनाई उनको बहुत पसंद आया, हम भी देखते हैं इसकी कीमत। जी हाँ, इसकी कीमत है 30 रुपये दही जलेबी। दही की हल्की हल्की खटास है और जो जलेबी की मिठास है वो बहुत बढ़िया इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जब आप ये खाएंगे मीठा ज़रूर तेज फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फील आएगी कि आप जैसे लस्सी का स्वाद होता है ना वैसा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस थोड़ा हटके है। कीमत इसकी सिर्फ 30 रुपये है, तो मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ की एक आइकॉनिक स्ट्रीट फूड है, जरूर ट्राई करें सिर्फ 30 रुपये में दही जलेबी। कहाँ पर? मौर्य जी का। तो यहाँ पे हमने कचौरी सब्जी ले ली है और कचौरी सब्जी की कीमत है 15 रुपये। और ये देखिए पहले कचौरी है जिसके अंदर दाल की स्टफिंग रहती है, साथ में आलू और ये देखिए काले चने, आलू और काले चने की सब्जी, ऊपर चटनी और साथ में थोड़ा सा दही। चलिए इसका टेस्ट देखते हैं। कीमत सिर्फ
15 रुपए। तो हर चीज का टेस्ट आ जाए, सारी चीजें लगा लिया, सब्जी आ गई, दही आ गया, चटनी आ गई। चलिए इसका टेस्ट देखते हैं। बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। देखिए इतनी सारी चीजें डली हुई हैं, लेकिन सबका फ्लेवर बहुत बराबर से आ रहा है। कचौरी खाएंगे उसके अंदर आपको साफ पता लगेगा कि दाल की स्टफिंग है, आलू छोले की बढ़िया टेस्ट आ रहा है, दही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आ रही है, इन्होंने एक चटनी डाली है, वो पूरे फ्लेवर को बहुत बढ़िया एनहांस कर रहा है। मेरी तरफ से अगर आप यहाँ आएँ, जलेबी और दही तो आप खाएँ खाएँ, ये कचौरी भी मिस ना करें। जय श्री राम। इस वक्त हम हैं कनक भवन के बाहर, पतली सी छोटी सी गली में, और सुबह से बढ़िया चाय नहीं पीती तो नज़र पड़ी हमारी श्रवण टी स्टॉल पे। कोयले के ऊपर चाय तैयार की जाती है और यहाँ पकोड़े भी बनते हैं, और हमने अपने लिए बनवा लिए हैं हरी मिर्च के पकोड़े। तो लीजिए, बड़ी बड़ी हरी मिर्चों का यहाँ पर पकोड़ा तैयार होते हुए, पहले बीज निकाल लिए हैं बड़ी सी हरी मिर्च के, और उसके अंदर आलू की स्टफिंग हो रही है। आलू की स्टफिंग में क्या क्या रहता है जी? मसाले रहते हैं। किस तरीके के मसाला रहता है? मसाले, सब्जी मसाला रहता है और जो पनीर मसाला रहता है। सुबह कितने बजे खोल लेते हो? सवेरे 6 बजे। 6 बजे और कितने बजे तक? 11-10 बजे रात, रात को 10 बजे तक। तो देखिए ये जा रहे हैं कढ़ाई में, किस में फ्राई करते हो, कौन सा तेल? रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो? तो लीजिए बेसन में भिगोगे, ये जा रहे हैं, तैर रहे हैं इस वक्त कढ़ाई में। और हमने आपको इनका दिखाया था सेटअप, देखिए कोयले के ऊपर सारी फ्राई हो रही है और ये नीचे पंखा लगा है जो हवा मार रहा है, और इसी के हवे से कोयले में एकदम प्रेशर जा रहा है और एकदम उसकी स्पीड हो गई है तेज। और देखिए बढ़िया से एकदम फ्राई हो रहा है, आपको ऐसे लगेगा गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर फ्राई हो रहा है, नहीं जी हाँ, ये कोयले के ऊपर फ्राई किया जा रहा है देसी टेक्निक, पंखा मार के। पकोड़े का क्या रेट रहता है मिर्च का? अच्छा 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का मिर्ची और 12 रुपये का पकोड़े। अच्छा तो देखिए रूप रंग से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हम इसी गली में घूम रहे थे, चाय की चुस्की का मन किया तो जब यहाँ रुके तो देखा जी पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं, रुका नहीं गया तो कहा हमारे लिए भी तैयार कर दीजिए। क्या पकौड़ी है? ये मिर्ची की पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, आलू टिक्की बन जाएगी। सिर्फ 10 रुपये इसकी कीमत है, 12 रुपये का ब्रेड पकोड़ा है, मिर्च पकोड़ा 10 रुपये का है। ये देखिए फ्राई बहुत बढ़िया हुआ है, और ये देखिए अंदर से देखिए बीज निकाल दिए गए हैं, और ये वैसे भी जितनी मोटी मिर्च होती है उतनी कम तीखी होती है, साथ में धनिया की चटनी दी गई है। चलिए जी इसको देखते हैं गर्मा गर्म, मौसम भी भाई सर्दियों का है, सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, अब थोड़ा कम हो गया। मैं मिर्ची पकौड़ा ज़रूर खा रहा हूँ, लेकिन ये स्पाइसी नहीं है, जो इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी की गई है, मसालेदार है, चटकारेदार है, लेकिन वो भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। जो इनकी स्पाइसी है वो इनकी धनिया की चटनी है, लेकिन बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आप चाहे इसके साथ खाइए या यहाँ पर जो भी फ्राई चीज़ें मिल रही हैं, ये चटनी लगा के खाइए, सोने पे सुहागे वाला काम करेगी। जय श्री राम। इस वक्त हम हैं कनक भवन के बाहर, और ये बाहर सड़क पर ही आपको बहुत सारी रेड़ियाँ मिल जाएंगी,
जो मटरा के साथ, या तो आप इसको कह लीजिए पापड़ी या कह लीजिए पतली पतली करारी कचोरी, वो सर्व की जा रही है। यहाँ तीन चार रेड़ियाँ हमें दिखी हैं और जिसका हमें सबसे साफ सुथरा लग रहा है, बढ़िया साफ सुथरा लग रहा है, हम उस रेड़ी पे आपको लेके चलते हैं। मटर पापड़ी चाट लगाइए जी हमारे लिए भी एक। तो दो बड़ी पापड़ी गई, ये जा रहा है जी मटरा, ये गए जी मसाले, नमक, हरी मिर्च, चटनी किस चीज़ की रहती है ये? नींबू गया जी, चटनी मीठी है खट्टी? ये खट्टी किस चीज़ की रहती है? खट्टी रहती है इमली की। हाँ जी, और मीठी? आम की। मीठी आम की और खट्टी इमली की। और क्या कीमत चाट की? 20 रुपये। तो लीजिए, मूली लगा के सजा दिया गया है और ये तैयार है 20 रुपए की चाट। बालम मुर्गन जी जो साउथ इंडिया से यहाँ अयोध्या आए हैं, हमारे साथ हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं और हिंदी में नहीं, इनके साथ हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझा दूँ, जो जिनका हाथ थोड़ा सा इंग्लिश में तंग है, तंग तो मेरा भी है। सो बालम जी, यू बीन हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? First time. And from which city you belongs to? Yeah, we are from Tamil Nadu. It's a Kanchipuram, Tamil Nadu. Okay, and you're trying this for the first time? Like, yes. The matra thing is also for the first time? Yes. And you're trying with the family? Yes, exactly. Okay, what's your thought about this? Yeah, this is really delicious. We liked it. And this costs you only 20 bucks. That's, how about the price? Yeah, price is very less, definitely. Definitely. Yeah. And what would you suggest to our viewers? Should they try or should? Definitely, we have to try once, at least once you visit Ayodhya, try once. This is really tasty and delicious. Don't miss it. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Yeah, thank you. Kimat sirf 20 rupees. Taste ki baat karunga. Jo sara khel hai, wo sara khel inki chatniyon ka hai. और ये मटरे के अंदर ऊपर लाल मिर्च डाली गई है जो हिट कर रही है। अपने हिसाब से आप ये बनवा सकते हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया, 20 रुपए में बढ़िया है, छोटी सी भूख को मिटाने के लिए।